और इसी सभा में सुखदेव स्वामी का पूजन होता है परीक्षित द्वारा, और पूजन के पश्चात चरणों में बैसी परीक्षित ने अपना मनोभाव रखा है क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी ने कहा करना चाहता है तो सबसे पहले ये कर कि चिंता को छोड़कर और जो कहता हूँ वो करना, भगवान की शरणागति को स्वीकार कर, उसके बाद जो बताएंगे वो तो भगवान कल बताएंगे। सुखदेव स्वामी, आज की कथा को हम यहाँ विश्राम देते हैं। आप सब भी भोजन का वक्त हुआ है और आप सब प्रसाद लीजिए। और हाँ, भ्रमण करने का काम सायं करना, कल से याद रखना, कोई व्यक्ति कथा को छोड़कर घूमने ना जाए, जिसलिए आप आए हैं उसका ख्याल रखें। आप सभी का अभिनंदन, अपने वाणी को विश्राम दें। करता करे कर सके सात दीप नवखंड में फिर से हमारे साथ है गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ है गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया है बाप, चरण में रख दिया है बाप, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ है गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, सतगुरु भगवान की मेरे गुरु पर तो रहती है भगवान की चिंता, हमारे साथ है गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता, हमारे साथ है गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता, ¡Gracias!
आप मेरे हाथ। एक बार सभी लोग हाथ उठा दें, जिन जिनका हाथ गुरुदेव के हाथ में, सभी लोग हाथ उठा लें और कहें क्या, उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के हाथ में हाथ में किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में है हाथ में किस बात की चिंता, हमारे साथ में गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, गुरुदेव 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 सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगे, हवा बिच उड़दी जावांगे, साइया डोरा छिया में कटी जावांगे, साइया डोरा छिया में कटी जावांगे, सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगे, हवा बिच उड़दी जावांगे, साइया डोर हथ छड्डी ना में कट्टी जावांगे, साइया डोर हथ छड्डी ना में कट्टी जावांगे, we'll be right back.
सतगुरु में तेरी पतंग, ओ सतगुरु में तेरी पतंग, हवा विच उड़ दी जावागे, हवा विच उड़ दी जावागे, ओ साईया डोर हथो छड्डी ना मैं कटी जावागे, ओ साईया डोर हथो छड्डी ना मैं कटी जावागे, साईया डोर हथो छड्डी ना मैं कटी जावागे, ओ साईया डोर हथो छड्डी ना मैं कटी जावागे, साईया डोर हथो छड्डी ना मैं कटी जावागे, साईया डोर हथो छड्डी ना मैं कटी जावागे, साईया डोर हथो छड्डी ना मैं कटी जावागे। ओ सतगुरु भगवान की जय। पाया व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की दिव्य मंगलमय आरती होने जा रही है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए मधुर बोल पग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला भी
खिचड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंत खोल सतमार्ग बताने वाला गोविंद से मिलाने वाला श्री राम यहे घन श्याम यहे श्री राम यहे घन श्याम यहे प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवान भवाने पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो सुधा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः प्राणाय पुरुषोत्तमाय सांगाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की दक्षेश्वर महादेव की काशी विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधेश्याम सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि बोल भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय धेयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् महापुरुष अरविंदम्
मंगल मूरति सदगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल विनवो बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार हे सकल सुपो जन भूप भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश विघ्न अने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यस्य दीप्तिलवेनैव देवता देवतां गताः वंदे तं देवदेवेशं सर्वदेवमयं हरिं परम आनंदमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मुख्य यजमान सहित समस्त सुधीजन अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुजन भगवत चरणानुरागिनी भक्तिमती माता एवं बहन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा रसायन का पान करने के लिए हम लोग पतित पावनी भूत भावनी मोक्षदायिनी भगवती भागीरथी गंगा के तट पर हरिद्वार में स्थित होकर बड़े तन्मयतापूर्वक प्रस्तुत हुए हैं। धन्य भाग्य है हम लोगों का, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। भारतवर्ष में जन्म लेना ही दुर्लभ है और उसमें भी मानव शरीर प्राप्त करना उससे भी दुर्लभ है। और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो मुमुक्षा है भोगों से वैराग्य होना अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य का निर्माण किया तो उस समय में इन इंद्रियों को हमारे आपके इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया। इसमें हम आपका दोष नहीं है,
पराम चिखाणी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नांतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। उपनिषद कहती है, ब्रह्मा ने जब मानव को बनाया और मानव की इंद्रियों को बनाना चाहा तो इन इंद्रियों का सिस्टम उल्टा कर दिया। जैसे आप मकान में कुछ लगाते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, तो अंदर बाहर का ध्यान रखते हैं, अंदर की तरफ कैसा देखे बाहर की तरफ कैसा देखे, तो हमारी इंद्रियों को उलट दिया, भीतर की बजाय बाहर की तरफ कर दिया, सारा फोकस बाहर। कुछ लोग होते हैं अपने भीतर घर में चाहे कितना भी अंधकार हो बाहर बाहर लाइट जलवा देते हैं। बार बार लाइट जलना चाहिए भाई, ताकि लोग देखे कि बड़ा पैसे वाला है, वो बहुत लाइट है इसके घर में, भीतर अंधार। पेट में चाहे चूहा कूद रहा हो, खाने का कुछ हो नहीं, लेकिन कपड़ा बहुत बढ़िया प्रेस किया हुआ, कपड़ा प्रेस और फ्रेश दोनों होना चाहिए। तो जबकि सिद्धांत उल्टा है, भीतर पेट भरा हुआ होना चाहिए और मन हरा होना चाहिए। कपड़ा चाहे फ्रेश हो अथवा ना हो, मन यदि फ्रेश है तो सब फ्रेश है, यहां उल्टा सब होता है। शादी विवाह में कर्ज ले लेकर दिखावे के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं और फिर भरते रहते हैं उसको, नहीं भर पाए तो हाथ जोड़ते हैं उससे, ऐसी शादी क्या करना है? अरे कुछ देना है तो बिटिया के हाथों में दे देना, उसका उपकार होता। खैर विषयांतर नहीं करना, मुख्य बात यह है कि ब्रह्मा जी ने जब निर्माण किया मानव के इंद्रियों का, तो इन इंद्रियों को जो बिठा रहे थे अपने अपने झड़ों के स्थान में, इसको उलट दिया, इसको बहिर्मुखी बनाया, यहां तक कि हमें अपने आप को देखने के लिए दर्पण का सहारा लेना पड़ता है। यही प्रमाण है, स्वयं अपने आप को हम नहीं देख सकते, उलट दिया। इसीलिए इंद्रियां हमेशा बाहर ही देखती रहती, अपनी एक भी बुराई दिखती नहीं है, और सामने वाले की दिन रात बुराई देखने में लगे रहते हैं, तुम्हारे में ये कमी, तुम्हारे में ये कमी, तुम्हारे में ये कमी, टोकते रहते हैं। एक कहावत है, आपने भी सुना होगा, एक होती है चालनी, क्या बोलते हैं आप लोग जिससे आटा वगैरह छानते हैं आप, चालनी सारी, और एक होता है सुपड़ा, जो हाँ सुपड़ा ही ना, सुपड़ा कवाई, तो सुपड़े में थोड़ा सा छेद हो गया कोने में, तो चालनी बोल बैठी, अरे बहन तुम्हारे में छेद है, सुपड़ा फिर भी अपना काम कर रहे हैं, तो चालनी फिर बोली, बहन तुम्हारे में छेद है, तुम इसको ठीक करो। तो सुपड़ा कहने लगी, रहने दो, पहले अपनी तरफ देख लो कितना छेद है, तुम अपने वाले छेद को बंद कर सको तो फिर मेरे तरफ कहना, मेरे में तो एक छेद होगा, तुम्हारे में तो छेद ही छेद है। बीजो में कोई एक भी खोट हो ना, दूसरे में किसी एक भी खोट यदि दोष दिख रहा तो हमें बार बार दिखता है, लेकिन अपना दिखता ही नहीं है। सारे फसाद का यही कारण है, सारे विवाद का यही कारण है। उंगली उठाओ, ए तुम्हारे में ये कमी, एक उंगली उधर है, इधर बाकी देखो तो एक तो ऊपर जा रहा, एक तुम्हारे में, तीन अपने तरफ जा रहा। तो हम हमेशा बहिर्मुखी हो गए। किष्किंधा में जब
पंचवटी में उसका नाक कान छेदा गया लक्ष्मण के द्वारा। वो विदेश से आई थी ना महिला, लंका की सूपनखा, तो उसके भाई खर और दूषण हजारों हजार सैनिक लेकर आए। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि भाई मायावी राक्षस हैं, जानकी जी को कहीं कंदरा में ले जाओ। लक्ष्मण जी जानकी जी को लेकर अंदर चले गए। अब राम जी अकेले युद्ध करने लगे। राम जी ने सोचा इस समय कोई देखने वाला तो है नहीं, मैं थोड़ी लीला कर लूं, कौतुकी है प्रभु तो। और ऐसी लीला करी कि जितने सामने वाले थे शत्रु पक्ष में जितने थे सबको श्री राम बना दिया। भाई आत्मा परमात्मा एक ही है, इसमें तो कोई अंतर नहीं। चलो आज सबको मैं अपना स्वरूप प्रदान कर देता हूं। परिणाम क्या हुआ आप जानते? अरे श्री राम मारो, वो देखे उसको, श्री राम उसको मारो, उसने देखा ये राम यहीं पर आ गया, मारो मारो मारो, और सब एक दूसरे को मारने लग गए। और मारते 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 5 मिनट नहीं लगा, शत्रु सैन्य का संहार हो गया, सब समाप्त। राम जी ने ये तो बहुत अद्भुत लीला की, कोई जानता भी नहीं। अच्छा तरीका है। किसी ने पूछा बाप जी ये तो बताओ कि जब सबके सब राम जी बन गए तो फिर मार क्यों, मारो मारो क्यों, मरा मरा क्यों, राम राम करना चाहिए ना सबको, ये तो उल्टा हो गया, मारो मारो। सभी राम बन गए तो फिर लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन क्यों लड़े पता है? क्योंकि सबने सामने वाले को ही देखा कि राम है, अपनी तरफ देखा ही नहीं कि मैं भी राम हूं। यदि सब देख लिया होते कि ये राम है तो मैं भी तो राम हूं, फिर कोई लड़ते नहीं, फिर क्यों झड़ते कोई। हमारा भी यही हाल है कि हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, एक बार भी खुद के तरफ देख लिए होते कि भाई जो हम दूसरों में देखते हैं वो तो यही पड़ा है, फिर क्या विवाद होगा, दूसरों से द्वेष करेंगे, ईर्ष्या राग द्वेष मत्सर असूया सारे दोष इधर हैं। अच्छा एक बात बताओ, सामने वाला तो शीशा है, समझ लो आप शीशे में आप अपनी शक्ल देखते हैं, देखते हैं ना दर्पण में, आईनी में अपना मुख देखते हैं। वहां यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, कोई काला कोई धब्बा या कुछ दिख रहा है, तो वो दोष किसका है? शीशे में है, यदि उसमें काला दिख रहा है, शीशे आईने में जो मुख आप देख रहे हैं ना उसमें यदि कोई काला दिख रहा है, धब्बा दिख रहा है, कोई दाग दिख रहा है, वो दाग किसका है बोलिए? वो दाग अपने का है, अपना है। इधर यदि दाग नहीं होता तो उधर दाग दिखता क्या? नहीं दिखता। यदि साफ करना है, दर्पण कितना भी साफ करे वो दाग छूटेगा? नहीं छूटने वाला। हम सामने वाले को सुधारना चाहते कि ये सुधरी जाए, आ सुधरी जाए, आ सुधरी जाए, मारो जीवन सुधरी जाए, वो कभी सुधरने वाला नहीं है जब तक तो हम अपने को नहीं सुधार लेते। एक आदमी कबीरदास के पास गए, काशी में कबीरदास, कभी आप काशी आना तो वहां संत कबीर की पावन स्थली है, वहां दर्शन करना, वो नहर तालाब और उधर आश्रम वगैरह, संत रविदास का भी स्थान है वहां, वैसी जाओ। एक आदमी अपनी गृहस्थी से परेशान होकर कबीरदास के पास आया तो कबीरदास जी प्रातः सत्संग कर रहे थे, जैसे यहां सत्संग चल रहा है, तो सत्संग में बैठ गया और
इंतजार करने लगा कि जब सब चले जाएं तब मैं अपनी बात एकांत में कबीरदास से कहूंगा। सत्संग चला और जब सत्संग पूरा हुआ और सब प्रणाम करके सब अपने अपने घर को चले गए, तब वह व्यक्ति कबीरदास के पास आकर के बैठा। कबीरदास ने पूछा, गए नहीं, तुम्हें क्या थी आया? बोले, महाराज मैं तो इसी शहर का हूं, वाराणसी का। तो क्या बात है? वह रोने लगा, क्या बताऊं महाराज, मैं अपनी गृहस्थी से परेशान हूं। अच्छा, गृहस्थी से परेशान हो? तो क्या बात है बोलो। बोले, महाराज मेरी पत्नी से नहीं बनती है, और तो सब ठीक है, लेकिन उनसे हमारी बिल्कुल नहीं बनती। एकदम 36 का आंकड़ा है, मैं कहूं इधर करना है तो वो बिल्कुल उधर करती है, मैं सोने जाऊं तो लाइट चालू कर देती है, हर बात में विपरीत होती है, कुछ भी सीधा नहीं है। हम लोग आपस में बहुत दुखी रहते हैं साहब, आप कोई उपाय बताएं जिससे हमारा ये आपसी निपटारा हो जाए, वो सुधर जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। मैं जैसा चाहूं वो वैसा बन जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। कबीरदास ने कहा कि ठीक है, बैठो पहले। इतने में नाश्ता का टाइम था सवेरे का, तो कबीर साहब की धर्म पत्नी अंदर से नाश्ता ला करके दिया और एक एक गिलास दूध भी रख दिया। कबीर साहब ने कहा, खाओ, दूध पियो। नाश्ता तो कर लिया किसी तरह, लेकिन जो दूध दिया पीने के लिए, उस दूध में चीनी की जगह में नमक पड़ा हुआ था। रोज तो चीनी शक्कर रखते थे, आज शक्कर नहीं रख पाई बेचारी, मीठू नाखी दियो। हाँ? गुजराती में मीठू कहते हैं, नमक को भी मीठा ही कहते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है। किसी से कहो कि भाई मीठा मत रखना, वो समझेगा अच्छा मीठा मतलब नमक नहीं रखना। सब्जियों में, दाल में, उसको बोलो कि भाई आज मीठा मत रखना इसमें, तो समझेगी बिल्कुल बिना नमक का बना देगी वो। तो अब वो कैसे पिए? कबीर साहब ने फिर भी बिल्कुल कुछ ना करते हुए चेहरा को बिल्कुल प्रसन्न रखते हुए, चेहरे की दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए, और वो पी गए दूध को। उसने भी पिया, उसको लगा ये तो बिल्कुल कैसे है, ये नमक वाला दूध पी जा रहे और ये कुछ बोलते नहीं, इनको बोलना चाहिए। वो तो पी नहीं पा रहे थे, लेकिन सोचा यदि नहीं पीऊं तो इनको दुख लगेगा। मन में सोचा कि भाई इसके यहां भी ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ है। बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद कबीर साहब ने कहा अंदर वाले, सुनो जी भाग्यवान, जरा मुझे दिख नहीं रहा, अंधेरा हो रहा है, थोड़ा दीपक जला कर ले आओ। तो ये सोच रहे कि 10-11 बज रहे हैं, इतना प्रकाश है, और ये कह रहे कि अंधेरा हो रहा है, लगता है बाबा की आंख चली गई होगी, आंख खराब हो गई होगी। लेकिन ये क्या, भीतर से पत्नी, कबीरदास की पत्नी एक दीपक जलाकर लाकर रख दिया आगे में। वो बिल्कुल कुछ नहीं बोली। इनको बड़ा आश्चर्य लगा कि देखो, एक तो दीन में ये दिया जलवा लिए दीपक, अब वो भी क्या जला के ले आई। वो मना कर सकती थी, भाई दीन है, कहां अंधेरा हुआ है, दीपक जलवा रहे हो, लेकिन वो चुपचाप रख के चली गई। अब उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा
उसने तो जो सोच के वो आए थे कि मेरा समाधान होगा, उसने सोचा कि गड़बड़ यहाँ भी है, इसलिए सोचा कि मैं चुपचाप निकल लूँ। उसकी तो आशा टूट गई। उसने कहा बाबा मैं चलूँ? बोले नहीं नहीं, पहले प्रश्न का उत्तर लो। बोले क्या उत्तर है मेरे प्रश्न का? यही उत्तर है, देखा कुछ नहीं? तुमने नहीं देखा दूध में क्या था? दूध में नमक था बाप जी। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं तुमसे, दूध में नमक था, फिर भी हमने पिया कि नहीं? बोले हाँ पिया। क्यों, आप उनसे कुछ बोले क्यों नहीं? उनको डांटना चाहिए। बोले देखो, अरे जो व्यक्ति तुमको रोज शक्कर वाला दूध पिला रहा है, रोज, एक दिन यदि उससे भूल से शक्कर की जगह नमक पड़ गया तो क्या उसको डांटेंगे आप? और डांटने से क्या हो जाएगा? क्या वो भी तो दूध पिएगी बाद में? उनको तो पता चलेगा ना, उनको तो पता चलेगा। मान लो सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, क्या उनको नहीं पता चलेगा? वो भी तो सब्जी खाएगी, तुम्हारे डांटने से क्या फायदा? और जो इतनी सेवा रोज कर रही है, एक दिन सहन करके तो देखो। हाँ महाराज, ये तो हमने देखा कि आपने सहन कर लिया, ये तो बहुत समझी बात है, लेकिन वो दीपक वाली बात समझ में नहीं आई। बोले देखो, मुझे भी पता है कि यह दीन है, मेरा कोई आंख खराब नहीं और मेरा दिमाग भी खराब नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, दीन है, प्रकाश है, लेकिन फिर भी हमने उनसे दिया जलवाया, लेकिन क्या उसने मना किया कि दिया नहीं जलाऊंगी, दीन है कहां अंधेरा है? मना नहीं किया, दिया लेकर आई और रख के चली गई। क्या मतलब है? एक काम करो, उनसे बुला के पूछवा लो, भाग्यवान जरा इधर आओ। वो चली आई, बैठो, पत्नी को बिठाई। इनका कहना है कि आप दिन में दीपक जलाकर यहां क्यों लाई? आप क्या जवाब देंगे? तो वो बोली, महाराज देखो, जो व्यक्ति मेरा पति है और मेरे हाथ का दिया हुआ नमक वाला दूध भी हंस हंस कर पी सकता है, क्या मैं उसके लिए दिन में दीपक नहीं जला सकती हूं? एक शब्द भी नहीं कहता और उल्टा पूछने पर, वाई पूछने के लिए, शक्कर बराबर है कि नहीं? कहा बराबर है सर। जो व्यक्ति छुपा लेता है, हमारी बुराई को छुपा लेता है और हंस हंस कर जवाब देता है, हाँ हाँ बहुत अच्छा, वो एक बार क्या 100 बार भी दिए जलवाए तो मैं जलाऊंगी, मैं क्यों कुछ कहूं? ये है, आप थोड़े से के लिए ऊब जाते हैं, ऊबना नहीं, सहना, एक दूसरे की प्रशंसा करना, एक आदत डाल देना कि हमको रोज कुछ ना कुछ सबकी तारीफ करनी है। भोजन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, उसकी तारीफ करिए। लेकिन ध्यान रखना कि भोजन जिसने बनाया उसी की तारीफ करना, दूसरे के नहीं कर देना, नहीं तो उल्टा पड़ सकता है। एक महात्मा जी ने कहा कि देखो, जाओ अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करना, प्रशंसा करना, इससे तुम्हें भोजन अच्छा मिलेगा, भजिया वगैरह गरम गरम, बढ़िया चटनी, क्या स्वादिष्ट भोजन मिलेगा गरम गरम। तो गया, उसने सोचा कि आज मैं यही करता हूं। घर में टेबल पर बैठा और पत्नी भोजन परोसने लगी, और जैसे ही रखा उसकी तारीफ शुरू हो गई, वाह क्या सुगंध है, परमानंद परमानंदम, आनंद आ गया देख करके, क्या चपाती है, ये चपाती थोड़ी है, हैं? वाह सब्जी की
की प्रशंसा, दाल की प्रशंसा, हमारे हर चीज की तारीफ पे तारीफ करता रहा। वो बेचारी सुनते सुनते परेशान हो गई, भीतर से एक बेलन ले आई। उठा के बेलन समझते हो, बेलन रोटी में लाई और दो चार लगा दी, तड़ाक तड़ाक तड़ाक। बोले अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम मुझे मार रही हो। बोले और नहीं तो क्या, आज से पहले कभी प्रशंसा की? बोले नहीं की तो क्या हो, मेरे गुरु जी ने कहा है प्रशंसा करने के लिए, तभी तो कर रहा हूँ। बोले जरा देख तो लो, मैं कहूँ कि आज तुम मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? आज खाना पड़ोसी के यहाँ से आया है, इसलिए तुम तब से प्रशंसा करने में लगे। ये भी जरूरी है देख लेना कि भोजन किसने बनाया है। आपस में सद्भाव हो, सनातन धर्म की रक्षा होती है। परिवार में प्रेम बहुत जरूरी है। हमारे मधुराम बापा यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये जब बैठते भोजन करने तो जो आप आसपास में बैठे हो उनको पहले खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी थाली में से सबको खिलाते हैं, उसके बाद सुरम पाते हैं। अच्छी परंपरा है, इससे प्रेम बढ़ता है, आपस में प्रेम बढ़ता है। भोजन तो आपकी थाली में भी है, लेकिन हमारे हाथ से आप एक ग्रास खाते हैं, कितनी अच्छी बात है, इससे प्रेम बढ़ता है। तो जीवन का यही आनंद है। और जीवन जीने के बाद एक बात निश्चित है कि हमारी आयु वैसे तो 100 वर्ष है, किंतु गारंटी एक क्षण की नहीं। यही खास बात है, गारंटी किसी की? इसलिए कभी ये मत समझना कि भजन कर लेंगे बाद में। किसी से पूछो कि भाई चलो कथा सांभवा माटे चल चलो चला आप, तो बोलेगा कि नहीं अभी तो बाद में जाएंगे, हमारे मम्मी पप्पा को ले जाओ, दादा दादी को ले जाओ। ऐसा नहीं है। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची संत गुरु नानक साहब के सत्संग में आती थी, तो रोज आती थी सत्संग में। इसलिए नानक साहब ने पूछ लिया कि बेटा तुम अभी से सत्संग में क्यों आती हो, अभी तो तुम्हारी बहुत समय है, बाद में आ जाना। तो वो पता है क्या बोली? वो बोली बाबा मेरी मम्मी चूल्हे में भोजन बनाती है तो अंगीठी से बनाती है, लकड़ी से, तो मैं देखती हूँ कि जो मोटी मोटी लकड़ी होती है वो बाद में जलती है और पतली पतली लकड़ी पहले जल जाती है। तो मैं सोचने लगी कि जो बड़े बड़े लोग हैं तो बाद में मरेंगे, पतले वाले पहले मर जाएंगे छोटे वाले, इसलिए मैं आती। नानक साहब ने कहा धन्य है, देखो ज्ञान भजन करना है तो जब तक हाथों में बल है, पैरों में बल है, श्वास भी है छाती में, तब तक कर लो। इसलिए और ये निकल जाए तब आप क्या कर पाएंगे? ये नहीं कि अब बूढ़ा हो जाएंगे तब भजन, बूढ़ा हो जाएंगे कोई गारंटी नहीं ना। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बरस तुम कर ना पाओगे, बरस तुम कर ना पाओगे।
करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। एक एक क्षण आयुष्नी, एक एक क्षण है ना, अपने आयुष का एक एक क्षण और धन नो एक एक कण, दोनों की रक्षा करना, इसका सदुपयोग करना, जो जान गया उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोनों चीज का ध्यान रखना चाहिए, आयुष्णी नो क्षण और धन नो कण। बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, 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 दान तुम कर नहीं पाओगे, 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 दान कर मस्त जवानी में, दान कर मस्त जवानी में, दान कर भरी जवानी में, दान कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आदमी था, उसने सोचा कि मैं दान तो करूंगा लेकिन अभी इतनी जल्दी क्या है, आखिरी समय में कर लेंगे, अंतिम समय में दान कर लेंगे। तो उसके मित्र कहते कि भाई तुम अभी दान करो, लेकिन वह सोचता कि मैं अभी नहीं, लास्ट में करूंगा, इधर दान करूंगा उधर जाके मांग लेंगे धर्मराज महोदय से, क्योंकि अभी दान कर दें और फिर वो 10-20 वर्ष के बाद मरे तब तक वो भूल सकते हैं, तुरंत देंगे तो धर लेंगे। उसने अपने जहां वो सोता था अपने बिस्तर के बगल में दीवार में एक गड्ढा करवा दिया और उसमें सारा धन जो दान करने के लिए रखा, सोना चांदी गहने आभूषण उसमें रख दिया, दीवार की चुनाई प्लास्टर करके पेंट कर दिया, एक छोटा सा भगवान का वो तस्वीर वहाँ लगा दिया, ऊपर एक माला पहना दी ताकि ये भाव बना रहे कि ये भगवान का है, ये मन में रखा। लेकिन अच्छा किसी को पता भी नहीं चले, दुर्भाग्य से उनका अंतिम समय आया, आखिरी समय आया, लेकिन क्या करेंगे, अंतिम समय में एक दिन पहले से ही उसकी आवाज बंद हो गई और रात में सोए सुबह हिलना डुलना सब बंद, हाथ पैर सब चलना बंद हो गया। उनके मित्र को पता लगा तो मित्र पुजारी को लेकर के वहां आए, मंदिर के पुजारी को, कि भाई लो अब दान कर लो, हमने पुजारी को साथ में लाया है, संकल्प करवाते जो भी रखे हो दान करने के लिए दान कर लो। तब वह चाहता था दान करने के लिए वो ऐसे इशारा करे कि भाई इधर दीवार में रखा है बस तोड़ो और दान कर दो, लेकिन वो बोल भी ना पाए और हाथ उठाकर दिखा भी ना पाए, केवल ऐसे ऐसे हाथ हिलावे। परिणाम क्या हुआ समझ में नहीं आया मित्र को, उसके बेटे से पूछा भाई तुम्हारे पप्पा क्या कह रहे हैं, सो कहे छे तुम्हारे पप्पा। बेटा को समझ में आ गई बात, उसने कहा अंकल जी दरअसल पप्पा ये कह रहे हैं कि जो कुछ था वो सब इन दीवारों में लग गया, अर्थात इन मकानों में लग गया, अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटे ने समझा कि पापा तो जा ही रहे दुनिया से, अब जो कुछ धन है वो बच जाना चाहिए,
इसलिए उसने अर्थ को बदल दिया। कहा अंकल जी ये कह रहे कि जो कुछ था इन दीवारों में लग गया, अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब उसका पिता बेचारा इसी दुख में उनका शरीर छूट गया। कहने का मतलब है ना, बुढ़ापे में दान कैसे करेंगे, पराधीन हो जाएंगे तो आप क्या देंगे। जब तक आपके हाथ में है शुभ कर्म करते चलिए। बुढ़ापा किसने देखा है, इस चीज को पार करिए। और रही बात शरीर छूटने की, वो तो सबका छूटना है, आज छूटे अथवा वर्षों बाद छूटे। कोई यहां रहा है, कोई भी स्थायी नहीं रहा है, इसलिए इस विचार को दिमाग से निकाल दिया जाए। आज परीक्षित बैठा छे गंगा किनारे सुखताल मां, बधारो संत त्या पधारा छे। बहुत सारे संत महात्मा वहां आसपास में आई गए बैठ गए और सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ, सुखदेव स्वामी का वंदन किया है, पूजन किया और उनके सामने प्रश्न रखा कि भगवान ये बताइए कि पुरुषस्य यत् कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा। एक बात बताइए, जो म्रियमाण है, यहां म्रियमाण शब्द का प्रयोग किया है, मरिष्यमान नहीं कहा है। यद्यपि 7 दिन के बाद मरना है परीक्षित को, अभी 7 दिवस बाकी, लेकिन उन्होंने जो प्रयोग कर दिया है कि म्रियमाण, इसका मतलब है परीक्षित का ये कहना है कि मानव का शरीर हर क्षण मरता है, हमेशा मरता है। आज का विज्ञान भी मानने लगा है कि शरीर क्षण क्षण बदलता है, हर क्षण बदलता ही है, कुछ भी क्षण की एक भी क्षण स्थायी नहीं है। बदलता है कि नहीं बदलता, क्या कोई एक दिन में बूढ़ा होता है, एक दिन में बूढ़ा नहीं होता, और कब होता है पता भी नहीं चलता है। इसका मतलब है हर क्षण शरीर बदलता है, और जो हर क्षण मर रहा है मानव, हर क्षण मरता है। मृत्यु क्या है और जीवन क्या है, यदि किसी ने पूछा तो क्या जवाब है, जीवन क्या है, जीवन है मृत्यु का जन्म लेना। जब हमारा शरीर का जन्म होता है, देहेन सहजायते, शरीर के साथ मृत्यु का जन्म, आदमी हर क्षण मरता है। और मृत्यु वास्तव में कब होती है, जब आखिरी बार मरता है। तो शरीर तो हर क्षण मरेगा लेकिन आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, एक रस है। बहुत सुंदर प्रश्न है, सुखदेव स्वामी ने प्रशंसा किया कि वरियानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मत पुंस श्रोतव्यादुशय परः। सबसे सुंदर प्रश्न आपने किया है, लोग अपना 100 वर्ष का जो समय है उसमें से 50 वर्ष तो हमारा सोने में निकल जाता है। आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम रात्रो तदर्धम गतः। 50 वर्ष हमारा चला गया सोने में। और देखिए
तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्व वृद्धत्वयो। अब 50 में से 25 वर्ष रख लो, 25 में दो भाग करो, 12.5 बाल्यावस्था में और 12.5 गड़पन में, आखिरी में बुढ़ापे में। कुछ नहीं होता, कुछ होता है? आखिरी के 12.5 वर्ष भजन नहीं कर सकते और आरंभ के 12.5 वर्ष भी भजन नहीं कर सकते। तो चला गया बालत्व वृद्धत्व में कितना चला गया? 25 चला गया, बचा कितना? 25 आपके पास बचा है। बोले शेषम व्याधि वियोग दुख सहित सेवादिभिनीयते। जो अब शेष बचा 25 वर्ष, उसमें कुछ रोग भी होता जीवन में कि नहीं? शरीर में रोग होता है और वियोग भी होता है। कोई मर गया, किसी ने जन्म लिया, कोई साथी बिछुड़ गया, उसके चिंता में कुछ समय तो जाता है कि नहीं? तो देखो, दुख रोग में, वियोग में और दुख को सहने में कितना समय जाएगा जोड़ लेना। जिंदगी में जिंद 100 वर्ष की अवस्था में कितने समय हमारा रोग में जाएगा, कितना समय वियोग में जाएगा, कितना समय हमें मिलने बिछोड़ने में जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ सेवा भी तो करेंगे, दुनिया में आए हैं तो सरकार भी तो सेवा लेगी आपसे, कि फोकट में तनख्वाह थोड़ी देती सरकार, कुछ लेती है, समय लेती है, सेवा लेती है। माता पिता के प्रति सेवा, पुत्र के प्रति सेवा, परिवार समाज के प्रति समय देना पड़ता है। इन सब में समय चला गया, अब बताओ कि आपके पास कितना बचा है? कोई हिसाब कितना बचेगा साहब, बोलो। कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं। तब महाराज, जो जी रहे हैं यही आश्चर्य है। जीवे वारी तरंग चंचल तरो सौख्यम कुत प्राणिना। जैसे नदी किनारे वृक्ष देखा होगा आपने, यहां भी गंगा जी के किनारे बहुत सारे वृक्ष हैं। मानो नदी में बाढ़ आ गई और वृक्ष के नीचे से पानी तेज बह रहा है, मिट्टियां कट रही है और वृक्ष हिल रहा है, अब गिरने वाला है और तब गिरने वाला है। उस वृक्ष पर हम लोग बैठे हुए हैं।